धीरे 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 चलो अभी बड़ी हो गई है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये छोटा सा ऑफिस है हमारा। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग। अभी लास्ट नाइट ना मैं बिल्कुल भी ढंग से सो नहीं पाई हूँ, इतनी गर्मी का हाई लेवल हो रहा है ना हमारे यहाँ पे। ऊपर से पंखा 5 नंबर पे भी ऐसे चलता है जैसे 1 नंबर पे चल रहा हो, धीरे 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 धीरे। ऊपर से मच्छर कान के पास आके पी पी पी, ये रैकेट पूरी रात ये रैकेट लेके मैं मच्छर मारने में ही लगी हुई हूँ। अभी मुझे ऐसा लग रहा है मेरे कान के पास मच्छर है, मतलब ऐसी सी कुछ मेरी रात गुजरी है। और अभी जोशी जी को मैंने बोला पानी पिलाऊँ आपके लिए गर्म करके, कहने लगे नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, वॉशरूम गए हुए हैं, आते तो फिर आपको मिलवाऊंगी इनसे। हम करते हैं दिन की शुरुआत गर्मा गर्म पानी के साथ। टन टन, साफ सफाई डन करने के बाद नहाकर तैयार होकर जो जला लिया मैंने, पूजा पाठ कर लिया है, आज बाल भी धोए हैं। और ये आज ये वाला लाख वाला कंगन भी पहना है, ये मैं लेकर आई थी चौकीदानी से, आपको लोगों ने दिखाया था, जोशी जी ने दिलवाया था, जो बड़ा प्यारा लग रहा है। वैसे साइज में थोड़ा सा खुला है लेकिन प्यारा है। तो चलिए अभी चलते हैं रसोई में। आज हम बनाने वाले हैं नाश्ते में आलू के परांठे, आलू उबाल रखे हैं, तो फटाफट से तैयारी करते हैं। आलू के परांठे सबको पसंद है हमारे घर में, लेकिन मुझे गोभी के परांठे पसंद है। अब तो गोभी वाला सीजन गया, सारी सब्जी इतनी महंगी हो रही है, सब्जी मंडी में कुछ लेने लायक नहीं बचा भाई। आलू के पराठों के साथ यहाँ पे किया जा रहा है नाश्ता। गुड मॉर्निंग जोशी जी। गुड मॉर्निंग जी। नाश्ता सही है? बढ़िया। ओके रिपोर्ट। पराठे का साइज देखना होटल वाला। गुड मॉर्निंग लवो। गुड मॉर्निंग। आज हम दोनों की मैचिंग हो गई। पसीने से पूरी भीग चुकी हूँ मैं पराठे बनाते बनाते। अब तो हो गया टाइम ठंडा पानी पीने का। ये 2 लीटर की बोतल रखी थी, जम गई है, ऑफिस में यूज कर लेंगे। जम गई है, ये बर्फ बन गई है। हाँ क्या हुआ? अच्छा आरती कल लिखा था ये? हाँ इधर आओ, पीछे भी आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ ना। हाँ भाई हाँ हाँ भैया, मान गए, कलाकारी को मान गए। बाय, शाम को बैडमिंटन खेलेंगे। भैया 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 जा रहे हैं अभी जोशी जी। आलू का पराठा खाएगी? नाश्ता मम्मी गई होटल? अभी नहीं, अभी घर ही है। आज सुबह सुबह नहा लिया? 2 बजे। क्या बात है। लवी ने नाश्ते में क्या खाया था आज? चाय। चाय? चाय के साथ कोई नाश्ता होता है? साथ में कुछ खाया था और? ना। लो फिर परांठा खाओ, टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। आलू का परांठा तो फोर एवर अच्छा ही बनता है। एक गाड़ी के पीछे ना अपनी ना अपनी गाड़ी को ना पार्किंग में ले जा रहे थे। सही जवाब। और ना तुम ना दो आंटी के साथ में ना डांस भी किया था। सही जवाब। और आपने ना ये वाले कंगन भी लिए थे। सही जवाब। और ना हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। हाँ। और चाचू ने आपको ये मेहंदी भी लगाई थी। बिल्कुल सही जवाब। रात को ना आपका ब्लॉग देखा था चाची। अपना यहाँ पे ना बर्तन धो देते, मैं अंदर जाके ना अंदर जाके मैं कुछ कर रही हूँ, आपको सरप्राइज दूंगी। अंदर पूरा रूम बिखरा पड़ा है, अभी क्या करेगी अंदर? अभी रुक जा, पहले मैं सफाई कर दूं फिर जाना। मैं अंदर आई तो सारा सामान ऐसे इधर उधर बिखरा पड़ा था, तो मैंने चाची का ये सारा सामान सेट कर दिया। इन पिलो को लगाया था ऐसे, चाची का ना एक के ऊपर एक पिलो था, मैंने अलग अलग करके लगा दिया। और ये टेडी बियर को भी मैंने अच्छे से बिठा दिया। और ना ये भी मैंने यहाँ पे रख दिया था, उसके ऊपर मैंने ये तकिया लगा दिया। तो उसके बाद में ये वहाँ के भी टेबल, ये देखो चाची और चाची का यहाँ पे ये जो तकिया है वहाँ पे भी ये लगा दिया। और ये चाचू का फोटो भी यहीं पे है। तो अब चाची जैसे अंदर आएंगे तो देखते हैं चाची का क्या क्या रिएक्शन रहते हैं। बताइए साफ कर रही हूँ, मतलब साबुन लग गया धो रही हूँ। खोल ही नहीं है बिल्कुल भी, बैठो बस, बैठ जाओ बेड पे, बैठो बेड पे, बेड पे खोल लूँ, खोल लूँ। हाँ खोल लो। वन, हाँ चलो
पीछे देखो। ओ ऐसा लड़की ने रूम सेट कर रखा है यहाँ पर, तो क्या बात है लवी। लवी इतनी अकल कैसे आई रही तेरे को? मैं पूरे दिन में जब आती हूँ ना, तुम ना घर के कामों में लग जाती हो, कभी तो व्लॉग एडिट करने में, कभी व्लॉग शूट करने में, कभी घर के कामों में। तो मैंने यहाँ सोचा कि चाची की ना थोड़ी सी हेल्प भी करवाई थी, और चाची को कुछ सरप्राइज भी मिल जाएगा। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी बड़ी बात है, इतनी समझदारी भरी बात है। लवी बड़ी हो गई है। हाँ मेरा ना अभी तक हाथ भी आने लग गया, और मैं बोतल भी भर देती हूँ। अच्छा चल बोतल खाली पड़ी, उठा भर के ला। चलो झूठ बोल रही है। अच्छा आज लवी ने ऐसे तकिए सेट किए ना, अभी रूम में आके मेरा मन कर रहा है कि अच्छी से डीप सफाई कर दूं आज रूम की अच्छे तरीके से। अभी सारा सामान हवा में उड़ा दिया है, पूरी अच्छे से साफ सफाई चल रही है। गर्मी भाई साहब बहुत हो रही है, सफाई अभियान चालू है। अभी जो थे ना होली वाले गुब्बारे, उसका पैकेट मिला है, वो फुलाने में लगी हुई है। होली वाले दिन ना ये सिर्फ पानी भर के ना ऐसे गोल गोल उनको ना ऐसे मरोड़ दे रही थी, वो फिर फस करके पानी निकल जा रहा था उसमें से। अब जब होली निकल गई ना, अब इसने गुब्बारे में गांठ मारनी अब सीखी है। देखो दिखाओ। पोपट हो गया, पोपट लाल का पोपट हो गया ऐसे। लवी का पोपट होने वाला हो गया। अगली होली तक सीख जाएगी, कोई बात नहीं। फोन का काम काज तो तकरीबन 1 बजे निपट चुका था, लेकिन इस लड़की को टेबल याद कराते कराते तो ना आज मेरे दिमाग की ना दही बन गई है सच में। एक टेबल याद करती है, दूसरा भूल जाती है, दूसरा याद करती है, तीसरा भूल जाती है। याद इसको तीनों है, लेकिन अगर अलग अलग सुनो तो, अगर एक साथ सुनो तो भूल जाती है फिर। चल अभी अभी सुनाएगी 8 का टेबल। 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 42, 8 7 54, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80। अरे भाई इस बात तो सुना दिया। अभी बिना अटके फाइनली लवी ने अभी मुझे 7 8 9 का टेबल एक बार फिर से सुनाया बिना रुके। फंस गई आज चाची के पास। लेकिन बिट्टू पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। लो सोने के सिक्के आए, बैंगन एक लव को दे देना, ठीक है? लवी की मम्मी ने तो कर लिया भैया सिस्टम सेट, इनका तो आज रात से हो जाएगा कूलर स्टार्ट। तुमने कूलर चेंज किया ना? नहीं हम पैड कर देते हैं, हर साल चेंज कर देना। ये ऐसा ही था, मुझे ऐसे क्यों लग रहा साइज में बढ़ गया ये। मुझे आज कूलर बड़ा सा लग रहा है, पता नहीं क्यों खुला हुआ है इसलिए लग रहा है। गुड इवनिंग यूट्यूब फैमिली, मम्मा सो गए थे दोपहर में, मैं अंदर बैठी फ़ोन ही चला रही थी, आपके कमेंट्स के रिप्लाई किए, रील्स देखी, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखे, ऐसे टाइम निकल गया पता ही नहीं लगा। अभी जब शाम को बाहर निकले तो बाहर एकदम से मौसम ऐसा हो रहा है ना, काले काले बादल छा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बस अब तगड़े वाली बारिश आने वाली है। टावल में सुखा कर गई थी, पर मैंने कहा इनको ले चलती हूँ नीचे, कहीं पता लगे भीग गए हैं। जय श्री राम। हवा देखो कितनी मस्त चल रही है, बच्चे खेल रहे हैं गली में। मतलब बर्थडे नहीं है? नहीं, तुम लोग बल्लू बना रहे थे? हाँ। मतलब पार्टी नहीं मिलेगी? नहीं, पर तू की ताली मार रही किस खुशी में? मेरे लगा मेरा नहीं, किसी और का इसलिए मैं मार रही थी। बेटे मौत तल्दी, ओ ऐसा लग रहा मौत तल्दी, मौत तल्दी। ये क्या चल रहा? ये अद्भुत मैच है, अद्भुत मैच।
यहाँ से सर्विस वहाँ जाती है, वहाँ से सर्विस यहाँ आती है, मैच लग ही नहीं पा रहा है। ये नेशनल लेवल के प्लेयर है भाई, इंटरनेशनल, ये ऐसे खेला कर रहे हैं। अगर हर कोई इनके साथ खेल लेगा तो बात ही क्या है फिर। ये ले अंदर ही घुसा। लवी तेरे घर के अंदर चलेगी चिड़िया। बैडमिंटन खेलते खेलते वो ऊपर पहुंचा दी गई है चिड़िया ऊपर। तो अब उसको निकालने का जुगाड़मेंट किया जा रहा है, हाथों हाथ चीजें होती हैं यहाँ पे। भाई उसके बिना कैसे खेलेंगे बैडमिंटन, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। लाओ फिर सहयोग दो, जाओ नाली में चली गई, नाली में भी जाएगी ऊपर भी जाएगी कहीं भी जा सकती है। ये देखो ये गई ऊपर पहलवान सीढ़ी पकड़ने, सीढ़ी के साथ नीचे आ जाएगी बेटा। कोई 15 फुट का चाहिए, ज्यादा दूर है क्या, ऊपर चढ़ना पड़ेगा। लवी को कोई हल्का पत्ता चढ़ा रहा हूँ, ऊपर लवी को भेज, लवी जाएगी। प्लान सक्सेसफुल, चिड़िया उतर चुकी है। चिड़िया कहाँ है भैया, दिखाओ चिड़िया, दिखाओ चिड़िया आ गई है। हवा देखिए किस लेवल की चल रही है, समझ सकते हो क्या ये जबरदस्ती का मैच चल रहा है। आंधी आई आंधी आई आंधी आई, कर्मा जी बेटा बढ़िया, आप कैसे हो? ठीक ठाक हैं। फोन नहीं उठा रहे हो आज ना? फोन यार हम लोग ना बाहर बैठे थे गली में, पता नहीं लगा फोन अंदर था। मम्मी कहेंगी जब मैं फोन करती हूँ कुछ ना कुछ कर ही रही होती है, इसके अलग ही काम चल रहे होते हैं, फोन ही नहीं उठाती। अभी मैं मम्मा से फोन पे बात कर ही रही थी, 2 मिनट ही हुए थे जिस बात करते हुए, इतने में जोशी जी घर में अभी पधार चुके हैं। वेलकम टू होम जोशी जी। मैं आज सुबह ही जिक्र कर रही थी इस बात का कि पंखा बिल्कुल मरी सी स्पीड में चल रहा है और आवाज इतनी कर रहा है। ये पंखा एक्चुअली ना बहुत पुराना है, व्हाइट कलर ले जाए, ये मेरे ससुर जी के टाइम का पंखा है ये वाला, तो जो बाहर वाला पंखा है वो फिर भी न्यू है अभी। व्हाइट कलर का ये हैवेल्स का हाई स्पीड, तो ये वाला पंखा ये लेकर आए हैं। बाकी अभी जब ये लगेगा फिर देखेंगे इसकी स्पीड कैसी होने वाली है। पंखा आ गया तो अब लग भी जाएगा ही। चलो एक ही काम हो गया, आगे की क्या प्लानिंग है जोशी जी? चाय पानी, नाश्ता, सब ना मैगी बनाओ, कुछ मैगी चिप्स वगैरह, चावल का चिप्स, कचरी, चाय। नहाओगे? हाँ नहा लेता हूँ। 10 मिनट दस मिनट ही होने चाहिए। तीनों गैसों पे काम चल रहा है आज, चौथी गैस कॉर्नर पे, नहीं तो मैं उस पर भी चढ़ा देती कुछ ना कुछ, वहां तक फिर हाथ नहीं पहुंच पाता। कढ़ाई में यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है जिसमें कि हम लोग बनाएंगे मैगी, और वहाँ पे कोने में आप देख सकते हो तेल गर्म हो रहा है, उस तेल में हम बनाएंगे कचरी यानी कि पापड़ चावल वाले, और साथ में गर्मा गर्म चाय तैयार हो रही है। गर्मा गर्म मैगी, चाय, कचरी। शाम के क्या टाइम हो रहा है अभी? 7:30, वो 15 मिनट आगे और घड़ी 7:30 बजे हम लोग ये स्नैक्स वगैरह खा रहे हैं। तो अब हम डिनर कब करेंगे? स्नैक्स ही मेरा डिनर है, अब इसके बाद मैं तो खाना खाने वाली हूँ नहीं। अरबी दी है हमने उबाल, अरबी की सब्जी बनाएंगे। एक गैस जो खाली थी उसमें अरबी उबाल दी, अरबी की सब्जी और रोटी। ओके सर, ग्रेवी वाली खाओगे सब्जी खाओगे बता दो। मैं ना हमेशा तोड़ना भूल जाती हूँ मैगी को, सीधा पैकेट डाल देती हूँ तो टूटते ही नहीं खाने में। रही हमारी उबाली हुई अरबी, लेकिन अभी मेन्यू चेंज हो गया क्योंकि मैं तो अभी रात का खाना खाने के लिए मना कर रही हूँ। जोशी जी कह रहे पता नहीं भूख लगी हुई तो खाऊंगा नहीं तो नहीं खाऊंगा, तो मम्मा कह रहे कि देवर जी तो खाएंगे नहीं अरबी, तो वो बेटर है कि दाल बना लेते हैं। तो अभी दाल रख दी उबालने के लिए, मिनट में मेन्यू चेंज होता है। यहाँ धोने वाले बर्तनों का लग चुका है ढेर, तो फटाफट से बर्तन साफ कर लेते हैं। हमारे दाल चावल हो चुके हैं तैयार, चाय पीने के बाद जोशी जी चले गए थे नहाने के लिए। रात के पूरे 9 बज चुके हैं, अभी ये नहाकर महाराज जी बाहर निकले हैं और नहाते ही आ गए हैं गली में, और यहाँ बच्चों के साथ बैडमिंटन खेला जा रहा है अभी। बच्चों के साथ खेला जा रहा है,
गेम प्लेटफॉर्म बैडमिंटन गली में बच्चे होने की वजह से ना गली में इतनी चहल पहल रहती है, घर से बाहर निकल जाओ अंदर आने का मन नहीं करता। रात के 10:35 हो गए हैं, जस्ट अभी घर के अंदर आए हम लोग, बैडमिंटन खेल के मैंने भी खेला, इन्होंने भी खेला, हमने आपस में भी खेला, हमने दूसरों के साथ भी खेला, बड़ों के साथ भी खेला, छोटों के साथ भी खेला, तो काफ़ी अच्छा। आजकल इन्होंने शुरू करा, महाराज जी ने पता नहीं इनको कहाँ से, मतलब बैडमिंटन कब से पड़े थे घर पर, इन्होंने स्टार्ट करा तब से अब हर घर में सब ने खरीद लिए जिनके पास नहीं थे, काफ़ी लोगों के पास रखे हुए थे बस यूज़ नहीं हो रहे थे, बस एक ने खेलना शुरू किया तो सब ने खेलना शुरू कर दिया, तो अच्छा सा लगता है सब लोग। हम दोपहर में भी खेलते हैं, पता है, बढ़िया खेलना, हम शाम को भी खेलते, जब टाइम मिले हम तब खेलते हैं, जब घर से बाहर निकलो तब खेलने लग जाओ, तो काफी अच्छा सा माहौल हो रहा है। आपका ऑफिस में दिन कैसे जा रहे हैं आजकल? बढ़िया जा रहे हैं ऑफिस में, अभी हो गया काम 75% कुछ रहता है, 25% थोड़ा बहुत काम रहता भी, बाकी हो जाएगा इस महीने अगले 10 तारीख से पहले कम्प्लीट। आपको मैंने बोला था फिर से वीडियो बना के लगाना, बना के लाया देता हूँ आपको। आपको काफी टाइम पहले दिखाया था कि ऑफिस लिया है और अपना ऑफिस अपना सेटअप कर रहे हैं करके, तो वो भी थोड़ा सा कुछ शूट करके लेके आए हैं कि कैसा है क्या, मैंने भी अभी तक देखा नहीं आपके साथ, मैं भी देखती हूँ, आइए देखते हैं कैसा है सेटअप। हमारे ऑफिस की लोकेशन है ये, मेरे सामने गाड़ी खड़ी हो रखी है और ये हमारा ऑफिस से ऊपर चढ़ने का इलाका, हमारे बगल में रेस्टोरेंट भी है, ऊपर आके ये हमारा है, अंदर आते हैं, ये मंदिर अभी खाली, हम नवरात्रों में इसको चालू करेंगे, अभी हमने बैठना शुरू किया, दूसरा तीसरा दिन ही है ये। ये एक्सपो सॉल्यूशंस कनेक्टिविटी ऑफ ट्रस्ट, ये सामने दीवार पे पोस्टर अभी लगना बाकी है और सामने ग्लास में पोस्टर आएगा, नीचे भी प्लाई में पोस्टर आएगा और जो मेरी टेबल है इस टेबल के आगे भी हमारे पोस्टर आएगा एक, तो काम अभी स्टार्ट करेंगे हम। ये हमारे ये हमारे गजाना जी, एक स्टडी, मेरे कार्ड होल्डर और नीचे पानी की बोतल रखी है, तो मैं घर से भी लाया था कोल्ड ड्रिंक पार्सल की बच्ची वो है, और भी काम स्टार्ट करेंगे हम अपना। तो प्लीज़ बताइएगा मेरा ऑफिस कैसा लगा आपको छोटा सा? ये छोटा सा ऑफिस है हमारा जिस पर हम काम करेंगे, काम पकड़ेंगे, अपने आपको आगे बढ़ाएंगे, तो कैसा लगा आपको ऑफिस बताइएगा प्लीज़ कमेंट करके एक बार। देखिए अच्छा लग रहा है ना, अब इसमें और आगे लोगों और आना है, इस ग्लास में लोगों आने हैं बाहर की तरफ जो दिखेंगे, नीचे ड्राइंग आनी है, बाहर हमने ऐसे बनाया, देखिए पूरा पूरा सही लग रहा है आपको, जैसा लगे बताइएगा एक बार। मेरे को तो बड़ा सही सा लग रहा है, छोटी सी जगह है लेकिन देखने में ऐसी बड़ी सी लग रही है ना, वॉलपेपर लगते हैं सब बड़ा ही लगता है, वैसे मैं छोटा ही लगा था पर सही लग रहा है, अब सुंदर लग रहा है, लग नहीं रहा वही जगह करके, ये क्रिएटिविटी होती है ना इवेंट वालों की, यहाँ जब काम करने लगो क्या को क्या ही बना देते हैं, कोई भी अगर घर में रहने लगता तो घर बड़ा लगता, खाली तो घर छोटा ही लगता। नहीं मतलब सजाने का तरीका होता है ना, सजाने से ध्यान में आया, आपको रूम में आज कुछ तब्दीली नहीं लगी? हाँ सफाई कर रही, काफी काम कर रखा है, काफी मैंने बात ही तुम्हें बोला था, काफी सामान सेट कर दिया। एक्चुअल में ना जो सामान ऐसे होता है कि जल्दी जल्दी बाजे में, जैसे सुबह इनको जल्दी रहती है, मेरे को भी जल्दी रहती है, तो इनको भेजना होता है उसी चक्कर में मेरे को भी जल्दी रहती है, तो सामान उठाया कहीं भी रख दिया कैसे भी रख दिया, बाद में वो चीजें मिलती नहीं है, रखी हुई खुद की रखी हुई चीजें, आज जब ढंग से सफाई करी क्या क्या मिल गया मेरे को इतना सारा सामान जो खोया हुआ था वो मिल गया मेरे को, यहाँ वहां से होने को में स्पेस कम है, सामान ज्यादा है, तो थोड़ा भी एक बार फिर से मैनेजमेंट में रखा है, कल परसों तक फिर देखना हाल फिर वैसे का वैसे ही हो जाएगा, तो ये हो जाता है थोड़ा सा, और पूरी बढ़िया तरीके साफ सफाई से होगी तो अच्छा सा लग रहा है थोड़ा, लेकिन अब देखते कितने दिन तक ये चलेगा अच्छा अच्छा वाला। खाना नहीं, भूख नहीं मेरे को, नहीं खा रहे, भूख नहीं है अभी, बाद में खाओगे लगेगी तो ठीक है वरना कोई नहीं। अच्छा मेरा तो पक्का कि मैं तो खाने वाली नहीं हूँ, और मम्मा ईशान और देवर जी भी आगे वो नहा रहे हैं, दाल चावल तैयार हैं, घर वाले खाना खाएंगे, और बस ऐसा ही रहा आज का दिन, और कुछ अगर खास आप चाहते हैं कि आपके लिए हम ब्लॉग में लेकर आएँ तो सजेस्ट कीजिएगा, भले ही वो कोई चैलेंज हो, भले ही वो कोई रेसिपी हो या कुछ भी, कोई भी प्लेस ऐसा जहाँ आप चाहो कि हम लोग जाएँ घूमने के लिए। मीटअप के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं यार, मीटअप कहाँ रखें? कहाँ का मीटअप? कि कहीं मिल लो इसी एरिया में कहीं पे मिल लेगा। देखते हैं जहाँ, मैंने आपको बताया कि लाल कुआ के पास मेरी लोकेशन है जहाँ पे मैं हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता देना जहाँ पे आप लोग कहोगे, ज़्यादातर जहाँ के कमेंट होंगे फिर मैं कम्युनिटी में डाल दूंगी कौन कौन सी प्लेस है, तो आप लोग बता देना कहाँ मिलना पसंद करोगे, संडे रख लेंगे है ना, जब भी इनका ऑफ होगा तो ज़रूर मिलेंगे।
हमें भी बहुत अच्छा लगता है आप सब लोगों से मिलकर। और Q&A वीडियो के लिए कमेंट्स आ रहे हैं, वो भी अब जल्दी ही मैं डाल दूंगी कम्युनिटी में, वहाँ पे आप सवाल पूछ लेना आपको जो भी पूछने हैं। बाकी तो डेली मैं आपके कमेंट्स की रिप्लाई करती हूँ, और कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, जैसे कि मैं हमेशा देती ही आती हूँ, देती ही आई हूँ रिप्लाई। मुँह भी लड़खड़ा जाता है बोलते बोलते मेरा। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो आज का व्लॉग यहीं तक, कैसा लगा आपको जरूर बताएगा कमेंट्स करके। जोशी जी का ऑफिस कैसा लगा आज, पता लवी ने क्या किया? एक्चुअली में सफाई का मेन रीज़न यही था, मैं बर्तन साफ कर रही थी अंदर, तो कह रही चाची मैं ना रूम में हूँ, रूम में मत आना। मैं क्यों? कह रही मैं 5-10 मिनट मेरे को दे दो, उतना मेरे को बर्तन धोने में भी लगाई। इस सिराने वाले जब आप गए उस समय सारा ऐसे ही हो रहा था ना, मैं ऐसे सा रूम, तो उसने सिराने विराने सारे ऐसे सीरीज में लगा के ढंग से लगा के, तो कह रही चाची सरप्राइज ऐसे कर रही मेरे को, तो उसने ऐसे सरप्राइज दिया कि चाची आप काम में लगी रहती हो कि मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ थोड़ी सी। तो मेरे को बड़ा ऐसे ऐसे लगा कि यार बच्चों, बच्चे भी सोचते हैं ना बड़ों के लिए। फिर मैंने कहा चलो यार सफाई अभियान आज कर ही देते हैं अच्छे तरीके से, तो पूरा रूम बढ़िया से सेट कर दिया एक बार फिर से। ऐसे लग रहा था मेरे को जैसे मैं दिवाली वाली सफाई कर रही होती हूँ। ऐसा ही लगता है। वैसे मोस्टली मैं जब भी सफाई करती हूँ मेरे साथ में लगते हैं ये, क्योंकि ये एक ऐसा काम है मैनेजमेंट ना, ये ज़्यादा मुझसे बेटर करते हैं, चाहे वो पैकिंग की हो चाहे वो घर के सामान रखने की हो, तो उसमें ये फर्स्ट है, मैं थोड़ा सा पीछे ही हूँ। तो बातें तो मेरी ख़त्म होती नहीं है, तो साथ में बने रहिए, और कोशिश हमेशा ही रहती है आगे भी रहेगी कि आपके लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आते रहें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया तो करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द, आहा आहा।